पंचायत मतगणना कार्य से अनुपस्थित रहने वाले 23 कर्मी के विरुद्ध होगी प्राथमिकी दर्ज। मतगणना माइक्रो पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक है शामिल किया गया, वेतन स्थगित। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा ने कहा कि पंचायत चुनाव 2021 के द्वारा द्वितीय चरण में दरभंगा जिला के अलीनगर एवं बेनीपुर के लिए बाजार समिति से धारा दरभंगा में हुए मतगणना कार्य में से अनुपस्थित मतगणना माइक्रो पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायकों के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 125 के तहत कार्रवाई करने हेतु 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही प्रशिक्षण एवं मतगणना कार्य के लिए उनके खाते में अंतरित की गई श्रमिक की राशि को 3 दिनों के अंदर जिला नजारत में लौटाने का आदेश जारी किया गया। साथ ही कहा गया कि स्पष्टीकरण संतोष पर नहीं पाए जाने पर उक्त धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इनके साथ ही सभी 23 कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए तथा मतगणना कार्य हेतु दिए गए श्रमिक को भी वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अनुपस्थित रहने वाले कर्मी जिनमें मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सहायक शामिल है। महिला आईटीआई रामनगर के बदले बाजार समिति शिवधारा में होगा मतगणना। बहेरी, बहादुरपुर और बिरौल प्रखंड का मतगणना भी बाजार समिति शिवधारा में होगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से निर्धारित बहेरी, बहादुरपुर और बिरौल प्रखंड के पंचायत चुनाव के लिए मतगणना स्थल महिला आईटीआई रामनगर से बदलकर बाजार समिति शिवधारा कर दिया गया है। अब केवल किरतपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव का मतगणना महिला आईटीआई रामनगर में होगा। शेष सभी प्रखंडों का मतगणना कार्य बाजार समिति शिवधारा में ही किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 8 अक्टूबर को बहेरी, 24 अक्टूबर को बहादुरपुर और 24 नवंबर को बिरौल प्रखंड के पंचायत चुनाव का मतगणना किया जाना है। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यहां अचानक नेताओं का आना जाना बढ़ गया। दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अचानक नेताओं का आना जाना बढ़ गया। पक्ष विपक्ष के नेता बाबा कुशेश्वर स्थान के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं शुक्रवार को दिल्ली से आए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने जहां बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, वहीं भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिवस के बहाने मंदिर के पास शिव गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद और ड्यूटी विधायक मुरारी मोहन झा समेत भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल हुए। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आधुनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 20 दिन तक चलने वाले सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत कुशेश्वर स्थान मंदिर में शिव गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, साथ ही कुशेश्वर स्थान और देश की जनता के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। नव भारत के विश्वकर्मा देश के 10वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गंगा आरती का कार्यक्रम चलाया गया था। उसी के तहत यहां बाबा कुशेश्वर नगरी में शिव गंगा घाट पर महाआरती का आयोजन था, उसमें हम लोगों ने शिरकत किया और बड़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीर्घायु का हम लोग कामना किए हैं बाबा कुशेश्वर से, जहाँ पर पूजा पाठ करके
और नरेंद्र मोदी दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे और देश का इसी तरह से विकास करते रहे। हमारे माननीय विधायक श्री रामचंद्र प्रसाद जी यहाँ के प्रभारी थे, सह प्रभारी आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी थे, डॉक्टर मुरारी मोहन झा विधायक जी यहाँ पर आए हुए थे, सारे जनप्रतिनिधि का यहाँ पर आगमन। मनकौली में नदी किनारे हनुमान मंदिर नदी में गिरा। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के मनकौली में हनुमान मंदिर जो नदी किनारे था वह नदी में गिर गया। वह लगातार हो रहे बारिश के कारण मिट्टी जो है नदी से नीचे से धंसने लगा, जिसके बाद मंदिर जो है धंसकर नदी में गिर गया, जिससे हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन मंदिर जो है नदी किनारे जो था वह पूरा धंसकर नदी में समा गया है, जिसे आसपास के लोगों ने वहीं देखा और इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया को भी दिया। यह पूरी तरह से मंदिर जो है नदी में समा गया है और यह नदी के किनारे ही यह कुछ दिन पहले ही मंदिर बना था जो अब नदी में समा गया है। तीन दिन से हो रहे लगातार बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। ग्रामीण इलाके में घुसा बरसात का पानी, बाढ़ के पानी से मिला था निजात। फिर से बरसात के पानी ने सड़क से लेकर घर तक को डुबोया। दरभंगा जिला में मौसम का अलर्ट के साथ तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण से शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में घरों में से लेकर के सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी प्रवेश कर गया है। सबसे हालात खराब है हनुमान नगर प्रखंड के पंचो पंचायत का है, जहाँ हाल ही में बाढ़ का पानी निकला है और फिर से भारी बारिश ने वहां घर को लेकर सड़क तक अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में घरों के अंदर पानी घुटने भर प्रवेश कर गया है। घर के अंदर चौकी पर रखकर लोग पानी के बीच खाना बनाने को मजबूर है। वहीं सड़क पर भी 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश पूरे जिला में पानी जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है, साथ ही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिला है। ये आपको मालूम ही होगा जो पिछले 30 तारीख से लगातार भारी बारिश के कारण पूरा हनुमान नगर प्रखंड और पूरे जिला का यही हालत है और पूरा जिला में बाढ़ जैसा माहौल हो गया है। अभी हम पंचोब गांव के बीच गांव चौराहा पर खड़ा हैं और आप देख रहे हैं जो पूरे बाढ़ जैसा माहौल हो गया है बारिश से। 30 तारीख को आपदा प्रबंधन विभाग ने एक चिट्ठी हम लोगों को भेजा है जो अलर्ट किया जो ऐसा है, लेकिन कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। पुराने जितने घर हैं सारे घरों में 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट पानी हो गया है। पूरा नदी नाला पहले से ही बाढ़ से भरा हुआ था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण लोग त्राहिमाम में है, छोटे छोटे बच्चे त्राहिमाम में है, पुराना घर गिरना शुरू हो गया है। बीच बीच में आंधी भी आती है और कई पुराना घर गिरना शुरू हो गया है। एक तो बहुत सारे पेड़ पहले ही बाढ़ से सूख गए, जो बचे वो पेड़ भी गिरना शुरू हो गया है। अभी तक सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, अगर जल्द इसका कोई उपाय नहीं किया जाएगा तो यहाँ भारी प्रलय होना संभावित है। और यहाँ लोग त्राहिमाम में हैं, किसानों का तो ऐसा बुरा हाल है, खास करके पशुपालक किसानों का, जो मवेशी थोड़ा बहुत दूध देता था उस सारे मवेशी बारिश के कारण सबका दूध खत्म हो गया और बहुत यहाँ प्रलयकारी। रत्नोपट्टी में नदी किनारे बसे लोग का घर धंसने लगा, घर छोड़कर लोग बाहर निकले। दरभंगा शहर के रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 में कई घर जो है नदी किनारे बसे हुए हैं जो धंसने लगा है, जिसमें लोग जो है घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं।
और कई घर जो है धस चुका है। ऐसे में लोगों को परेशानी बढ़ रही है, लगातार यह देखने के मिल रहा है कई घर जो है वहाँ पर जो है धसा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। और यह बता दें कि दरभंगा शहर के सटे हुए बागमती नदी गुजरती है और नदी किनारे बसे घर जो है अब धसने लगा है, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल दिख रहा है। पास का काम हुआ है जिसमें मिट्टी बहुत कम दिया गया, जो हम प्रशासन को भी जाकर बोले मुखिया जो है गाँव का ठेकेदार उसको भी बोले, विधायक को जाके अगला मरते भी बाहर आया संजय सराफ जी को जाके मैंने बोला, उसके घर पर जाके यहाँ पकड़ के लाए, देख के दिया, देखने के बाद भी कोई काम नहीं हो सका। अभी हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, उसका निर्णय आप लोग। एक से डेढ़ महीना पहले यहाँ कटाव को लेकर कुछ काम हुआ था, किस तरह का काम हुआ था, क्या फायदा हुआ? इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, मट्टी दिया गया, थोड़ा थोड़ा मट्टी दिया, बांस दे करके हम लोग का घर को डिजाइन कर दिया, एक को महीना नहीं होने लगा, इसका निर्णय आप गरीब आदमी क्या करें। दरभंगा के जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा में पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। दरभंगा के जाने माने पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान पर रविवार को पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी व कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता बताया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ रमा रमन आचार्य ने कहा कि प्रखर लेखनी आज भी विद्यमान है, लेकिन समाज में हर तबके में गिरावट आई है। पीटीआई के संवाददाता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं सहित कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे। अब उस समय के पत्रकारिता का समय हमको देखा हुआ है, अभी जो पत्रकारिता का समय है उस पत्रकारिता में आप लोग सेवा की भावना से हमेशा जुड़े हुए रहिए, सेवा की भावना से रहिए, है ना। और ऐसा नहीं हो कि लोगों के बीच में समाचार जाए कि नहीं ये गलत ढंग से हुआ है। हमको याद है दरभंगा एक्सप्रेस में नवीन जी के साथ हम 15 वर्ष रहे, 90 से लेकर के 2005 तक। बीटीएल भी हमारे ही सभा में शुरू हुआ, दोनों में हम समाचार संपादक भी रहे। हमारे यहाँ समाचार लेने के लिए एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और इतना तक अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, नवीन जी और पुनीत जी दोनों बैठे हुए हैं, मदन बाबू भी बैठे हुए हैं, एडिशनल जज तक हमारे ऑफिस में आकर के घंटों बैठे हैं, है ना। तो इस ढंग से अगर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण अगर समाचार बिकेगा तो सब आदमी का सहयोग मिलेगा, और हम चाहते हैं आप सबों को सहयोग मिले, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ फिर चंद्र बाबू को बार बार नमन करते हुए हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बहुत है और हम लोग इसलिए या पुण्यतिथि पर पत्रकारों को बुलाते हैं कि जो मानदंड उन्होंने तय किया था, जो एक रेखा खींची थी, पर आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको आगे बढ़ाए पत्रकारिता तरफ का निर्वाह। विनोद कुमार जी, मदन मोहन चौधरी जी, जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, जो उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये दोनों आदमी मौजूद हैं जिन्होंने उनके कार्यकाल में पत्रकारिता की। हम
संयुक्त रूप से दोनों आदमी से आग्रह करते हैं दिल्ली की अध्यक्षता में। ये सौभाग्य है 36 साल के बाद भी ये दोनों यहाँ करीब हो रहे हैं और उनके द्वारा पत्रकारिता के समय में ये लोग रहे और उस समय की बात उनको याद है और वर्तमान युग में भी इन्होंने पत्रकारिता में। हजुल्ला खान मोहल्ला में एक दिवसीय फैजाने अल्लाह हजरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। शहर के मोहल्ला फैजुल्ला खान में एक दिवसीय फैजाने अल्लाह हजरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, सुन्नी राजा कमेटी के द्वारा किया गया, जिसकी सरपरस्ती पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शमसुल्लाह जान मिशवाही बाबू हुजूर सदारत मौलाना अब्दुल रहमान नूरी नकावत हाजिया हाफिज निजायुद्दीन नूरी फरमा रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर उलमा व शोरा तशरीफ लाए, जिनमें मौलाना सुल्तान रजा कादरी मुंबई, मौलाना जियाउद्दीन रिजवी उड़ीसा, शायर इनकलाब तौकीर राजा इलाहाबादी बुलबुले दरभंगा रियाज खान कादरी उपस्थित हुए। सुन्नी राजा कमेटी के जलसे में आए तमाम उलमा को खिदमत दिन एवार्ड से नवाजा गया और जिन लोगों ने कोरोना काल में बेहतर काम किया, कुछ ऐसे लोगों को भी सुन्नी राजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अहमद रहमानी, सचिव मौलाना अमन नवाज खान के द्वारा अवार्ड दिया गया। जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स अवार्ड दिया गया, उनमें कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में जान जोखिम में डालकर DMCH में कोरोना संदिग्ध मरीजों का फ्रंट पर जांच कार्य में लगे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर इंतखाब आलम, फरदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर यूसुफ फैसल, अंजुमन कारवे मिल्लत रियाज खान कादरी और सबसे बेहतर काम करने वाले कबीर सेवा संस्थान से नवीन कुमार सिन्हा, मोहम्मद उमर, नफीसुल हक रिंकू, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, जाप के जिलाध्यक्ष मशकूर उस्मानी के नाम शामिल हैं। अंजुमन कारवे मिल्लत के अध्यक्ष ने सुन्नी राजा कमेटी के तमाम मेंबर को मेडल पहनाकर उनकी हौसला बढ़ाया और तमाम सदस्यों ने वादा किया कि हर साल उस एक रजवी के मौके पर इससे भी बेहतर कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो जो शंका होती थी उसमें आपके रियाज कादरी साहब और हम लोग रिंकू जी, जलान जी, उमर जी सब लोग साथ थे और जब पहला वो पॉजिटिव निकल गया तो उसके बाद हम लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, समझ सकते हैं कि 14 दिन तक हम लोग खुद परेशान रहे कि कहीं हम पॉजिटिव हो या अकील हैदर साहब जी हैं, इनका एक समाचार आया था जब मैं न्यूज बना रहा था, सरकार ने भेजा था, तो एक जो वाक्या है मैंने इन पर फिल्माया था, तो मुझे न्यूज नहीं था, वो कैसे जीते हैं सदा इनसे ठीक हो या बकरीद और ईद में भी ये अपनी ड्यूटी में मशगूल थे, तो जिंदा रहना इसी का नाम है, जिंदा रहना इसी का काम है। और इंसान क्या होता है, हिंदू मुसलमान क्या होता है, ये इन लोगों से सीखे, मुस्लिम का सब हो, क्रिश्चन सब में भी हम लोगों ने इनसे मदद की। जब कब्र में हम लोगों को याद है कि 6-7 लोग सारे क्रिश्चन नहीं थे, कोरोना से एक मौत हो गई थी होली क्रॉस के बगल में, तो रात रात भर हम लोग एक वक्त ऐसा आया